मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है 2016 हज़ार सोलह में आ, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई उनका आप नाम नहीं ले सकता क्योंकि अब वो मूव ऑन कर गई है और क्यों लें तो अप्रैल का दिन था अप्रैल तीन या चार अभी भी याद है और मैंने उसे फ़ोन किया मैं तेईस साल का था तब मेरा यार शादी करते हैं मैं तो प्यार में हूँ ये हूँ वो हूँ और उसने मुझे बहुत अन्धाशिक उसने मुझे बड़े प्यार से कहा कि देखो योर फादर इज रिच योर मदर इज़ रिच एंड strong. हु आर यू तुम कौन हो तो मैंने बोला मैं एक्टर हूँ मैं तो लिखता भी हूँ आई एम डी बी में काम किया ये शॉर्ट फिल्म ये वो बोलते तुम कौन हो हु आर यू मैं तुमसे क्यों शादी करूँगी तुम्हारी क्या आइडेंटिटी है सतीश भाई मेरे लिए वो पाँच मिनट का मैंने पॉज लिया मैं अगले दिन उठा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है श्रीकांत mm. मैंने उसे फ़ोन किया मेरा यार मुंबई में जितने ऑडिशन होते हैं ना एड्स फिल्म वेब हैं मॉडलिंग जो भी मुझे सब ग्रुप में ऐड करो तो उसने बोला यार तू मिठुंदा का बेटा है तुझे क्या ज़रूरत है जरूरत है मैंने बोला मुझे ज़रूरत है तू नहीं समझेगा नहीं। और मैं तैयार हुआ और मैं डैड को बोला मैं जा रहा हूँ ऑडिशन करने तो उनको लगा ठीक है कुछ होगा तो मैंने बोला चलो मैं गाड़ी ले लेता हूँ मर्सिडीज़ अपनी तो उन्होंने बोला तू कैसे जा रहा है मतलब कैसे मतलब बोला मेरे बेटे के जैसे जा रहा है या अप, नमोशी चक्रवर्ती जैसे जा रहा है mm. तो बोला नमोशी चक्रवर्ती जैसे mm. तो उन्होंने बोला देख गेट के बाहर तुझे एक रिक्शा मिलेगी वो रिक्शा से तू जट्टी जा mm. उस जट्टी में बैठ उस जट्टी से उतर के फिर रिक्शा लेके अपने ऑडिशन में जा इट वॉज़ वेरी क्लियर कि अगर तुम मेरा प्रिवलेज नहीं ले रहे हो mm. तो तुम्हें कोई भी प्रिवलेज मैं नहीं दे सकता मैंने वो ऑटो ली मैंने स्ट्रगल स्ट्रगल बहुत गलत वर्ड है जर्नी शुरू की और मैंने लाइन में खड़े रहकर 2016 से लेके 2019 तक लाइन में खड़े रह के दिए और 90 परसेंट टाइम्स मुझे रिजेक्शन मिला है क्योंकि ना मैं किसी का बेटा था ना भाई ना किसी का कोई आप कभी नहीं बताते थे कि मैं मिथुन कोई पूछता ही नहीं था तो मैं क्यों कहूँ अगर आपको मैं और मिल बात है कोई पचास में खड़ा है तो सुपरस्टार का बेटा क्यों आगे खड़ा हो। हाँ, और मेरे जिम के दोस्त होते थे, थे वो बोलते थे यार तू यार क्यों खड़ा है मैंने बोला यार काम के लिए तो बोलते यार तू इनको बता देगा तो तुझे अभी अंदर ले लेंगे मेरा अगर वो पूछेंगे तो बताऊँगा और मेरा पहला ऑडिशन यहाँ से दस मिनट दूर था ओशी में मुझे अभी भी याद है स्क्रिप्ट एक कैरेक्टर था जो अपनी गर्लफ्रेंड को डिफेंड कर रहा है क्योंकि उसे कैंसर हो जाता है और वो वन टेक ओके के था hmm. तो वहाँ पे वो हुआ और उसी दिन शाम को मेरा एक ऑडिशन हुआ था एक चॉकलेट ऐड के लिए एज अ सेकेंड लीड उसका शू शूट साउथ में था सतीश भाई फ़र्स्ट डे मैंने ऑडिशन किया है नेक्स्ट डे मेरा सिलेक्शन हुआ है ऐड फिल्म के लिए उस एड फिल्म के लिए नेक्स्ट डे मुझे फ़ोन आया hmm. कि आप सिलेक्ट हो गए आपको चेन्नई जाना है hmm. बदनसीबी थी उसके एक दिन बाद माई hmm. मामा माई मदर्स कज़न ब्रदर पास्ट hmm वे और मैं जा नहीं पाया उस शूट के लिए लेकिन मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट था कि जिस दिन मैं अपने दम पे बाहर गया मुझे काम मिला hmm. तो अब मुझे कितनी भी रिजेक्शन मिले कितने लोग मुझे नॉट फिट बोले hmm. काम तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा लेकिन मैंने तीन साल रगड़ के मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ रगड़ के मुंबई में काम ढूंढा है ना किसी नाम ना किसी रेफरेंस के hmm. तो मैंने भी ये चीज़ें देखी है हम खड़े रहते थे गर्मी में पस रहे हैं कभी कभी तो हमारा नंबर आता था तब तक कोई सिलेक्ट हो चुका है hmm. मुझे याद है एक बहुत बड़ा टी वी एफ एक यूट्यूब चैनल है उन्होंने उनका डिस्क्रिप्शन था सिक्स फीट वन टॉल लीन करली हैर तो मुझे लगा ये तो मेरे लिए है hmm. जब मैं वहाँ पहुँचा उन्होंने किसी काले को अंदर ले लिया और हमको बोल दिया नॉट hmm. फिट काला मतलब एक सावले, सावले कलर का आदमी हाँ। जो ऑफकोर्स हैंडसम था बट उसे ले लिया hmm. तो मैंने बोला डिस्क्रिप्शन मेरा काम किसी और को मिल रहा है और हमें देख के दूर से नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट तो इस शहर में काम ढूंढना एक चीज़ काम मिलना एक चीज़ तो आई थिंक वो जर्नी की वजह से hmm. आज मुझे पता है कि ज़िंदगी में हर्डल क्या होती है क्योंकि एक पॉइंट के बाद मुंबई आपको तोड़ने लग जाता है hmm. क्योंकि आप जो है अभी आप मुझे जानते हैं अब लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मेरी फिल्म आ गई है एज ए हीरो hmm. लेकिन तब तो मुझे कोई नहीं जानता था और मैं पहले ही थोड़ा सा इनसिक्योर था क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में ये एक स्टिपुलेशन आ गई थी आइडेंटिटी के बारे में hmm. फिर भी अपने आप को इंस्पायर्ड रखता था क्योंकि मुझे मालूम था एक ना एक दिन तो काम मिलेगा ही लेकिन उस पीरियड में जब काम नहीं मिला hmm. उसने मुझे एज ह्यूमन बीइंग एज एन एक्टर बहुत हेल्प किया क्योंकि आज मैं हर चीज़ से ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ आई कैन कनेक्ट विथ आई कैन एम्पथाइज विथ वॉट आपने जो अभी कहा मैं उसे सिर्फ देखा नहीं हूँ मैंने महसूस किया है उसको जिया है hmm. तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है ये कहने में कि मुझे तीन साल तक काम नहीं मिला बॉम्बे में फिर मिला लोग सिर्फ उस पर अटक जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना ये yes, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आई हैीच समवेयर इन लाइफ